साहब राम जी, वैसा राम राम जी। राम राम जी। जय गो माता। जय गोपाल जी। आज की वीडियो में कितनी गायें कवर करेंगे जी? आज की वीडियो में सर जी गाय तो 8 लेके आया था। हाँ। पर 3 गाय सुबह लोड होगी। अच्छा, इसमें आज 5 गो माता बाकी है जी। अभी 5 दिखाओगे? 5 हीरे है। हीरे ही है जी। एक तो ये बड़ा हीरा दिखाई दे रहा है सर जी। वो तो आगे वाले बताएगा अपने को क्या चीज है। हाँ। हम तो वीडियो बनाने वाले हैं। हाँ। सेवा करने वाले हैं। सेवा करने वाले हैं। तो आगे वालों को है। सही है जी। वो जोरी हैं, बड़े जोरी हैं। हर गाय को देखकर क्लियर डिटेल बता देते हैं जी कैसी है गाय। बिल्कुल सर। दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप भी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अंत तक देखेंगे तो सभी गाय जो भी है जैसी भी क्वालिटी में है कमेंट करके जरूर से बताइए। बिल्कुल, फिर पता चलेगा। हाँ, हकीकत तभी समझ में आएगी। ठीक है, कंप्लीट डिटेल लेंगे जी साहब राम जी। कि वो भी आप निर्भय करोगे, भाई ने झूठ बोला सच बोला है। हाँ, वो सामने आ जाएगा। शर्माओ मत, कमेंट करना खुल के। हाँ, कमेंट खुल के करना। हाँ। अगर बुरा नहीं बोल सकते, आपको लगता है गौ माता के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, तो जय गौ माता लिख दे। जरूर लिखे जी, क्योंकि मेरे को भी तो हौसला मिलना चाहिए ना। हाँ। अच्छी अच्छी गाय लेके आते हैं, लेकिन जो आज सुबह सुबह गाय लोड हुई है ना जी, वो तो दर्शकों को एक देखने के लायक चीज थी। एक आदमी आया, आते बोला भैया ये दे दो, और तुरंत लोड करके ले गया जी। तो बाकी अपने पास हीरे तो अभी भी बहुत अच्छे अच्छे खड़े हैं। 18-20 लीटर तक दूध की गाय खड़ी है जी। ठीक है जी, लेकिन आप देखो परखो फिर पता चलेगा आपको। सही है जी। तो सबसे पहले आपका भाई साहब एड्रेस बता दो जी यहाँ का। एड्रेस मेरा गांव कमीनपुरा है जी। जिला श्री गंगानगर है। स्टेट राजस्थान। ठीक है, और मोबाइल नंबर क्या है भाई साहब आपके? मोबाइल नंबर है जी 78528-26862। ठीक है जी। जी, ये नंबर मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ जी, और आप व्यूअर्स इन नंबरों पर संपर्क करके भाई साहब की इन सभी गायों के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। कुछ गाय ब्याई भी है, एक गाय ब्याई लग रही है जिसमें सर जी। एक गाय ब्याई है जी। अच्छा, बाकी ये चारों प्रेग्नेंट है? बाकी प्रेग्नेंट है जी। ठीक है जी। आज 7 गाय प्रेग्नेंट लेके आया था, लेकिन वो सेल हो गई थी, एक ब्याई। हाँ। हुई थी अपने पास। अच्छा, अब 5 बाकी है अपने पास। ठीक है जी, तो मौके पे जो है इन्हीं की डिटेल जान लेते हैं। हाँ जी। एक एक करे गाय देखते हैं जी। शुरुआत करते हैं एक नंबर वाली गदरी राठी से जी। सर ठीक है, इसी की डिटेल शेयर कर दो जी, नस्ल बता दो पूरी। एक चोलिस्तानी राठी है जी। चोलिस्तानी राठी, इसको गदरी राठी भी कहते हैं प्यार। और ब्यांत कौन सा है ये? ब्यांत पहला जी। पहला ही ब्यांत है? दो ही दांत है मुंह से। मुंह से दो दांत और पहला ब्यांत? पहला ब्यांत। हरियाणवी कहते हैं जी खार की। बिल्कुल हाँ, खार की। खार की। बाकी आप स्वभाव देख सकते हो। हाँ, स्वभाव देख लो। पहले ब्यांत में ऐसा स्वभाव तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। बहुत ही मुश्किल से मिलता है सर। हाँ। लात उठा लेगी जैसे करेगी। हाँ, जैसे जैसे अंडर पर हाथ फिरा रहे हैं भाई साहब, और देखिए पैर उठा ले रही है। स्वभाव इस तरीके का होना चाहिए। ये राठी रानी ऐसे थोड़ी कहते हैं सर। हाँ, राठी रानी। हाँ। गदरी राठी रानी हमारे राजस्थान की रानी है, शान है। हाँ जी। तो कितना टाइम लेगी जी ब्याने में? ये सर जी अभी पड़े हैं 10 दिन। 10 दिन खुले पड़े हैं। 10 दिन में तो अच्छे ऑर्डर क्वालिटी की तैयार हो जाएगी। बहुत आलीशान जी, अभी जोड़ी बहुत पड़ी है। हाँ। कुछ हाँ। लोग जी लंबी दूरी तय करवा कर गाय लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा उनसे निवेदन है कि आप प्रेग्नेंट ही गाय लेके जाओ। ये बार बार बड़े बड़े ऑर्डर देख के और भ्रमित ना हो। बढ़िया गाय लेनी हो तो अनुमान लगाओ कि इसमें जितने दिन बचे में ब्याने के उतने दिन में कैसी तैयार हो जाएगी, और आपकी पसंद क्या है उसके हिसाब से प्रेग्नेंट ही लेके जाओ। देखो सर, मेरा एक सुझाव है कहने का, हमारे को भगवान के देन में सब कुछ है, लेकिन ऐसा काम करना है कोई याद करे। कल यहाँ उम्र भर नहीं रहना, चले जाना यहाँ से। कोई याद तो करेगा पीछे से यार भाई था। हाँ। जो दिखाना रियलिटी दिखाओ। रियलिटी ऐसे नहीं है अपने दो टाइम का बाजार लगा के गाय दिखा रही। हाँ। भाई दो टाइम का दूध रखा हुआ है, मेरी गाय कितने थे बड़े ऑर्डर। हाँ। ऑर्डर दिखा के थोड़ी गाय सेल करनी। गौ माता धंधा मत करो, गौ माता की सेवा करो। लेकिन आपको मैं गाय दिखाऊंगा जो भी अपने पास प्रेग्नेंट है और वो ऑर्डर बनाएगी, टाइम ले रही है। आप देखने से दर्शकों को पता चल जाएगा क्या चीज है, क्या चीज है। हाँ जी। तो ये 10 दिन में ब्याने वाली है जी। जी जी। दूध क्षमता का अनुमान क्या है जी आपका पहले ब्यांत में? 11-12 लीटर दूध दे देगी। 11-12 लीटर जो नॉर्मल देसी गाय देती है, 11-12 लीटर पहले ब्यांत में। देखो जी। हाँ। देसी गाय बोल देते हैं। हाँ। लेकिन ये ब्रीड वाली देसी है। हाँ, ब्रीड वाली देसी है, नॉर्मल देसी नहीं है। नॉर्मल देसी नहीं है। 12 लीटर दूध इसका है ना जो। हाँ। तो आप मान के चलो एचएफ का 30 लीटर पकड़ लेना। हाँ। एचएफ का 30 लीटर सिर्फ ये दूध के गाढ़ेपन में बता रहे हो। बाकी क्वालिटी में तो जी लाजवाब है, लाजवाब है जी। उसके 1000 लीटर के बराबर भी नहीं कर सकते इसके 1 लीटर को। कीमत भी इसकी जो लाजवाब है। हाँ। और दूध भी लाजवाब है। अच्छा। कमी तो है ही नहीं किसी में। हाँ। हाँ। तो भाई साहब आपने इसके लिए कीमत क्या रखी है फिर? कीमत छोटी सी है जी, 51,000 रुपए लेने हैं। 51,000 जी जी। 51,000 रुपीज जी जी जी। ठीक है जी। ये 2 नंबर पर खड़ी हुई है जी एक और,
साहिवाल है जी, साहिवाल बिल्कुल शुद्ध बछड़ी है। कौन से ब्यांत की है? पहले ब्यांत में जी, खारकी। ये भी पहले ही ब्यांत की खारकी। सर जी लोगों कस्टमरों की डिमांड बहुत है खारकी की। खारकी की डिमांड ज्यादा है? अच्छा, तो दो तीन गौ माता खारकी की अपने पास रहती रहती है 24 घंटे। हाँ जी, तो रखते हो जी खारकी भी? बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है जी, इसको ब्याने में कितना टाइम लगेगा जी? यही बस 2-4 दिन ही बाकी है। इसको 2-4 दिन में बच्चा दे देगी? जी जी जी। तो अभी प्रेग्नेंट है और 2-4 दिन में बच्चा देने वाली है? जी जी जी। ठीक है, क्या दूध क्षमता है भाई साहब? सर जी 10 लीटर प्लस करेगी। 10 लीटर का इसका अनुमान है और 12 से अंदर रहेगी। अच्छा, ऐसे नहीं है 15, 10 और 12 के बीच में रहेगी? बस बस बस, 10 और 12 के बीच में ही दूध क्षमता रहने वाली है। बाकी झूठ है? हाँ, 15 बोल दूंगा झूठ है, झूठ बोल के काम ही नहीं करना। ठीक है जी, तो ये अनुमान लगाना बेहतर रहता है जी। पहले ब्यांत में यही 10-12 लीटर के आसपास दूध क्षमता रहती है। जी 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 जी। और अच्छी परवरिश करके अच्छे से तैयार करके अगर पहले ब्यांत में खोलना चाहे तो 1-2 लीटर तक गुंजाइश रहती है। 10 लीटर देने वाले की 11 तक ले जा सकते हैं। सर जी 12 भी हो सकता है, 15 लेके जाना 15 तो मुश्किल है जी। हाँ, ये गलत है, वो तो झूठी है। ठीक है जी, कीमत क्या रखोगी जी भाई साहब इस गाय के लिए? कीमत इसके लिए वो 51,000 रुपए जी। 51,000, 51,000 रुपीज। सर जी 100 की 100 सही वाला, शुद्ध बिल्कुल 100% साहिवाल है, बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, एक चौलिस्तानी और दूसरी साहिवाल। ठीक है, तीसरे वाले की और डिटेल ले लेते हैं। तीसरे वाली सबसे बड़े अंडर साइज वाली गाय है, इस गाय की भी पूरी डिटेल शेयर कर दो जी भाई साहब। ये सर जी अभी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है, ये भी 2-4 दिन निकालेगी। 2-4 दिन लेगी? जी जी जी। अच्छा, 2-4 दिन निकालेगी। हाँ, और गाय अच्छी बहुत है। हाँ, दूध की बहुत तगड़ी क्षमता है। हाँ हाँ जी, दूध क्षमता की कितनी है जी? ये जी अभी की बार 16-17 किलो दूध डालेगी। 16-17 दे देगी? हाँ जी हाँ जी। हाँ, निकालेगी? हाँ, ऐसे बोलने को कितने बोल दो। हाँ, और निकालेगी। पहले ब्यांत में कितना रहा है जी दूध? जी अब की बार तीसरा ब्यांत है इसका। हाँ, तीसरा ब्यांत है ये? तीसरा ब्यांत है जी। अच्छा, इससे पहले 2 बार ब्याह चुकी है ये? बिल्कुल जी, 2 बार ब्याह चुकी है। 2 बार ब्याह चुकी है? पहले ब्यांत में 13 किलो का रिकॉर्ड है। हाँ, दूसरे ब्यांत में 15 किलो प्लस किया है। अच्छा, अब की बार देखो जी 2 लीटर दूध बढ़ेगी। बढ़ेगी 16-17 किलो दूध देगी। हाँ, लेकिन पिछले ब्यांत में 15 दिया हुआ है, इतना तो मान के रखे। जेन्युइन दिया जी, इतना तो मान के रखे। क्योंकि आर्डर बहुत बड़ा है इसका, और वैसे देखने से भी पता चलता है गाय दूध डाल देगी अपने। आर्डर तो जी टैंक साइज ही कहेंगे, टैंक ही है जी। बड़े साइज का आर्डर तैयार हो गया है। कुछ ब्याने के टाइम नजदीक आया हुआ है, 2-3 दिन आप बता रहे हो ब्याने में लगेंगे? सर जी लगेंगे, लेकिन वो डीलरों वाली मैं पहले बोल चुका हूँ नहीं करनी अपने को। यही ब्याने के बाद एड्रेस कैसे हो जाता? हाँ, एक टाइम का दूध रोकेंगे एड्रेस। हाँ, हो जाएगा। हाँ, रोक के थोड़ी बेचनी है। हाँ, ये तो प्रेग्नेंट है तो इसमें तो ये रोकने वाला और ये सब झंझट ही नहीं है। आज ही कोई लोड करवा ले। हाँ, उनके घर जाके बच्चा दे देगी। सही है जी, बिल्कुल सेफ है ये। कीमत क्या लोगे जी? कीमत छोटी सी है जी। क्या रखी? बड़ी नहीं है, 60,000 रुपए। 60,000 रुपए? जी जी, 60,000 रुपए में ये 15-16 लीटर दूध देने की क्षमता वाली गाय। बिल्कुल जी, लेकिन आर्डर बहुत शानदार तैयार हुआ है। सर जी सब रेट के ऊपर सारा कुछ, बिल्कुल रेट पे सब कुछ नहीं होता। हाँ, अब ये बच्चिया दिखाई थी साहिवाल आपको। हाँ, पहले ब्यांत की। हाँ, 51,000 रुपए कीमत की है। हाँ, लेकिन ये बच्चिया है, बच्चिया है, 10 लोग देखेंगे ना अच्छी बोलेंगे। हाँ, ये गाय 4 नंबर पर है, इसकी भी नस्ल बता दो जी भाई साहब। साहिवाल नस्ल है जी। साहिवाल जी, सींग वाली साहिवाल। जी जी जी, बड़े हम्प वाली साहिवाल। देखो जी सींग का तो डरावा है। हाँ, बिल्कुल आगे खड़ा हूँ। ठीक है, सिंह का तो डरावा है, डरना नहीं चाहिए सिंह से। सिंह से बगैर तो गोमाता। ये तो आपको कह रही है जी खुजलाने के लिए। बिल्कुल जी सर, आगे कर रही है। हाँ, स्वभाव ऐसा होना चाहिए। सिंह होगा तो मारेगी थोड़ी जी, मारेगी थोड़ा ना। बात नहीं है। हाँ, दूध की भी क्षमता बहुत अच्छी है इसकी। क्या डिटेल है जी? ये 13 किलो दूध रखा है पहले ब्यांत में इसने। पहले ब्यांत में 13। हाँ, अभी ब्याने में कितना टाइम लेगी? अभी ले जाएगी सर जी, हफ्ता भर ले जाएगी। हफ्ता भर ब्याने में ले जाएगी। अष्टपुष्ट है जी जी, बॉडी की अच्छी है सर जी, हेल्दी काफी है। ठंडी भी बहुत है, ठंडी भी है, स्वभाव की भी ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंडी। अभी जोली पड़ी है। हाँ, अंचली भी बहुत प्यारा। हाँ, लगा है। जब भी गाय खरीदें इस तरीके से स्वभाव जरूर से टेस्ट कर लें। जी जी जी, जैसे भाई साहब टेस्ट करके दिखा रहे हैं, स्वभाव की टेस्टिंग भी होनी चाहिए। साफ दिखानी कम है, दिखानी साफ सुथरी है। हाँ, ऐसे नहीं है। हाँ, कल कस्टमर बोले यार उन्होंने ऐसे बताया था, वो निकल गया, बोल के नहीं देनी, दिखाना ही है, देना ही है जो है, रियल बताना, जो बताना है रियल बताना। कितने दूर तक चली जाएगी जी ये दूध? देते 15 किलो प्लस। 15 किलो तक? 15 किलो तक दूध देने की क्षमता वाली गाय है। देखो सर जी, ये 15 नहीं निकालेगी ना। हाँ, तो फिर कोई भी गाय 15 नहीं निकालेगी। हाँ, 15 लीटर दूध देने की क्षमता वाली है। जी 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 जी। कीमत कितने वाली है जी? कीमत छोटी है। क्या रखी है? कीमत 55,000 रुपए। 55,000 जी सर, 55,000 रुपए। जी जी जी। ठीक है जी, एक गाय और बची हुई जी लास्ट में। ये मेरे कस्टमर ये मत सोच लेना कि इसमें बार्निंग होगी कुछ। अच्छा, बार्निंग वाला स्पेस नहीं है। जो कीमत बता रहे हो ये लेनी है सर, लास्ट वाली है। बिल्कुल जी। अच्छा, एक और हीरा दिखा रहे हैं आपको, ये ब्याई भी। बिल्कुल ब्याई हुई है। हाँ, कल की ब्याई है जी ये। कल की ब्याई। हाँ है जी। बच्चा क्या लिया ये? बछड़ा लेके आई है जी। मेल काफ? मेल काफ है जी।
ठीक है, नस्ल बता दो जी। ये रेड सिंधी नस्ल है जी। रेड सिंधी जी सर, खूबसूरती शानदार है सर जी, बहुत ही कम देखने में आती जी। जब कोई हजार गाय देखता हूँ मैं, तब मेरे को कोई रेड सिंधी एक नजर में आती है। भाऊ जी मिलती नहीं है, मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से। तो ये नस्ल को बचा के रखने की जरूरत है। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके पास अगर रेड सिंधी नस्ल की गाय है तो जरूर से उस गाय को रेड सिंधी नस्ल के बुल के सीमन से ही प्रेग्नेंट करवाएं। जी 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 जी, तभी ये नस्लें बचेंगी। सबसे शानदार नस्ल मानी जाती है जी जो भारतीय दुधारू गायों की नस्लें हैं, बिल्कुल उनमें सबसे खूबसूरत और सबसे लंबे टाइम तक दूध देने की क्षमता वाली गाय है। सर जी कल सुबह 4 बजे ब्याई थी। हाँ, और अभी अभी इसने जो करीबन मान के चलो इसका 11-12 किलो की रेडी है। अच्छा, 11-12 किलो की रेडी है। 11-12 किलो तैयार है। 3 टाइम गाय खाली हो चुकी है। ठीक है, 3 टाइम गाय खाली होगी, खाली हो चुकी है। दूध से खाली किया है। जी जी जी, ठीक है जी। क्या दूध क्षमता मान के ले जी? ये दूध क्षमता है जी 15 किलो आराम से दे देगी। 15 किलो? जी जी जी, 15 किलो दूध देने की क्षमता मान के। जी 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 जी, ठीक है जी। कीमत कितनी रखोगे जी? कीमत छोटी है इसके लिए। क्या रखी है? 55,000 पे लेने हैं। 55,000? 55,000 रुपीज। सर जी लाख लाख रुपए कीमत है रेड सिंधी जो गए ना। ये लाल सिंधी के नाम से भी जानी जाती है। लाल सिंधी। हाँ। लेकिन इनकी कीमत है जी। हाँ। मुश्किल से मिलती है गाय। मुश्किल से मिलती है। ठीक है जी, शानदार गाय दिखाई है भाई साहब ने। आज के वीडियो में 5 गायें जरूर से कवर की है, लेकिन 5 की 5 क्वालिटी वाइज लाजवाब है। आपको कौन सी वाली गाय ज़्यादा पसंद आई आप हमें कमेंट करके बताइएगा। साबराम जी, भाई साहब की गायें आपको कैसी लगी कमेंट में भी लिख दें, और साथ में अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर से दबा दें। बिल्कुल दबा दें। एक बात और भी गौर रखें सर। हाँ। जो 5,000 पे डाल दो और गाय घर पहुंच कर रहा है ना। हाँ। उसमें भी ध्यान रखना। हाँ। फ्रॉड बहुत चल रहा है। फ्रॉड बहुत चल रहा है। पहले वीडियो कॉल पे गाय देखो आप। हाँ। उसके बाद ही मोल भाव करो। पहले आगे वाले को बोलो वीडियो कॉल पे गाय दिखाओ। पहले गाय दिखाओ, क्योंकि मेरे पास कस्टमरों के कॉल आते हैं कि यार फलाने आदमी ने हमारे को वीडियो डाली थी और हमने टोकमनी लगा दी भैया, अब वो बोल रहा है गाय तो मर गई, गाय ने बच्चा ही नहीं दिया, गाय खराब हो गई। वो तो ऐसे ही होगा जी। पहले वीडियो कॉल पे देख के उसके बाद रुपए डालो आप। पहले बोलो कि वीडियो कॉल पे गाय दिखाओ जी, कहाँ है, कहीं से भी गाय लो, आपके पास गाय है या नहीं है, कहीं से भी ले लो गाय। ऐसे नहीं आपने मेरे से लेनी है। हाँ। कहीं से भी लो, ठोस आदमी से लो। हाँ। अपने को पता होना चाहिए इस भाई के पास गाय है। गाय है भी कि नहीं है, ऐसे मत लो। कहीं ऐसे ही सिर्फ कहीं इधर उधर से फोटो वीडियो मंगवा ली और आपको भिजवा दे। 50-60 हजार की गाय लेते हैं जी। हाँ। आने में कितनी दूर है, ज्यादा से ज्यादा 5,000 खर्चा आ जाएगा। इतने आएगा जी, चाहे वो महाराष्ट्र से आ जाए 5,000 खर्चा आएगा। यहाँ के 1-2 दिन रुक के कस्टमर तसल्ली से लेके जाए। सही है जी, उसमें मजा लगा। हाँ, अच्छी गाय ढूंढो और अच्छे तरीके से देख परख के। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद साहब राम जी भाई साहब। आपको व्यूअर्स कौन से वाली ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। क्योंकि गाय 5 दिखाई है, 5ों में से आपकी पसंद कौन सी है वो जरूर से लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। राम राम जी। राम राम जी। जय गो माता। जय गोपाल जी।